वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, हम लोग भी खैरियत से हैं। तो गाइस, जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान में विंटर आ गया और कराची में स्पेशली अभी मजा आएगा ना भिड़ो, बड़ी मुश्किल से आया है। तो प्लान ये हो रहा है कि विंटर का आगाज कुछ करें सूप वूप से। तो गाइस, अभी सबका प्लान हो रहा है बाहर निकलने का, तो हम जा रहे हैं बाहर कुछ सूप शूप पीने के लिए। वाह जी वाह। और दूध जलेबी का प्लान है और देखते हैं क्या क्या खाते हैं। तो गाइस चलते हैं, नेथन भी बस रेडी होने लगा है, स्टीव एलिंग लोग सब आ रहे हैं। तो गाइस चलते हैं, मार्क भी रेडी हो गया और स्पेशली जलमाया भी साथ है। तो गाइस चलते हैं बाहर और विंटर एंजॉय करना शुरू करते हैं। मिलते हैं गाइस बाहर। 15 मिनट्स लेटर। गाइस अभी भाई एडिटिंग कर रहे चल रही थी, तो अभी हम बाहर आए, सूप वगैरह पी गए हैं भाई। फुल सर्दी आ गई है ना, सर्दी क्या क्या, तो भाई ठंडा ठंडा वेदर हो गया, तो अभी सूप पीने का प्लान था, तो अभी हम सूप पीने के लिए आ चुके हैं। जरमाया लबोर है, एली कंपनी कमेंट्री चल रही है स्वीट में, तो अभी सूप वगैरह पीते हैं, तो फिर दिखाते हैं। ओके वगैरह आ चुका है, तो अभी एलिक भाई इसका रिव्यू करके हमें बताएंगे कि भाई सूप कैसा है। तो हाँ जी भाई, बहुत अच्छा है, मज़ा आया। हमने पिया है माशाल्लाह फूड सेंटर पे, निम्को कराची निम्को के सामने। तो आप भी इसे ट्राई करें, बहुत ही अच्छा सूप है। सर्दी आ गई है, तो सर्दियों में सूप पिए और शुरू करें सर्दी को। और ये तबाही मचना शुरू हो चुकी है सूप पर। वही जरमाया भाई उधर नाराज होके बैठा हुआ है, पता नहीं इसको क्या हुआ हुआ है, तो इसका पता नहीं क्या सीन है। तो अभी द सूप वगैरह चल रहा है, तो पीते हैं सूप और फिर मिलते हैं। गाइस सूप वगैरह पी लिया और तब तक फाइनली कोई 10 साल के बाद गोलगप्पे बनकर आ चुके हैं। तो क्या नाचो मैं? तो जरमाया आप हैप्पी हो? गोलगप्पे देखे क्या है? मुंह में पानी, मुंह में पानी आ गया। तो खाओ बगैर खाना। हाँ चलो, अभी भाई जरमाया खाने लगा है गोलगप्पे, तो फिर गाइस गोलगप्पे वगैरह खाते और फिर मिलते हैं। ओके गाइस, सूप के बाद और गोलगप्पे खाने के बाद अब प्लान है दूध जलेबी खाने का। तो हम पहुँचे हैं सुपर यूनाइटेड डेयरी, सदर की फेमस है, बहुत पुरानी है। अभी यहाँ सूप पीते हैं गाइस, फिर बल्कि खाते हैं दूध जलेबी। दूध जलेबी का प्याला आ चुका है, तो अभी अभी करते हैं। तो भाई अभी सूप वगैरह पी लिया, उसके बाद ये था कि सर्दी में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो एलिक बाइक से हम वापस रिव्यू लेंगे। अरे बस कर भाई, क्या कहना चाहेंगे एलिक पर, ट्राई तो करो। एलिक भाई शर्मा रहा है, एलिक 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 भाई के आगे कोई बोल सकते है क्या? चलो मार्क भाई से रिव्यू लेंगे, चलो ऑनेस्ट रिव्यू देना भाई। चलो 3 2 1 मैं देता हूं। वाओ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और भाई गाइस, आज हम आए कराची डेयरी पे, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद दूध जलेबी। राजा जी, मैं यहाँ पे पीता हूँ स्ट्रॉबेरी शेक, पर अभी सर्दी आ गई है तो हम नहीं पी सकते, इसलिए हमें दूध जलेबी करते हैं, चख लेंगे बस। आइए बस एक दो प्याला चख लेंगे, ज्यादा नहीं तो चखेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो अभी बस ये पीते हैं दूध जलेबी वाला प्याला, और गाइस इस तरह खाने का मजा ही अलग है। तो अभी खाते हैं तो फिर मिलते हैं। ओके तो गाइस अभी सूप वगैरह पी लिया और दूध जलेबी वगैरह भी खा पी लिया है, तो अभी हम बस जा रहे हैं घर पे। तो टाइम जो है रात बहुत हो चुकी है और रश भाई बहुत ज़्यादा, तो इससे टाइम का पता नहीं चला, तो टाइम अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अभी चलते हैं घर पे और फिर घर पे जाके मिलते हैं। A few moments later. Okay guys, घर पे आ गए थे। तो guys सर्दियों का आगाज हो चुका है और सर्दी में आपको पता है बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती है खाने के लिए, जैसे हम सब गए थे दूध जलेबी, आपको पता है
कि सर्दियों की सौगात है, वो गोलगप्पे चले और सूप हमने यखनी पी, चिकन कॉर्न सूप भी, बड़ी चीज़ें गाइस। तो गाइस बड़ा मज़ा आया। तो हमने तो शुरुआत कर दी है अपने विंटर की, सर्दियों की, बड़ी मुश्किल से कराची में जो कुछ महीनों के लिए आता है, कभी एक महीना, कभी दो महीना, तीन महीने तो बहुत कम होते हैं। तो हम, हमारी भी कोशिश है, बल्कि पूरे कराची वालों की कोशिश होती है कि वो इन्जॉय करें इस मंथ को, अच्छे अच्छे कपड़े पहने। आपको पता है गर्मियों में तो पसीना आता है, बड़ा मुश्किल होता है, तो आप अच्छे अच्छे कपड़े वेयर कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं ब्लॉग एंड करने लगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं इसी उम्मीद से ब्लॉग एंड करने लगा हूँ कि हमारा ब्लॉग आपको पसंद आएगा, तो लाइक करें, शेयर करें और आप हमें सब्सक्राइब करें। तो गाइज़ हैप्पी विंटर, विंटर इन्जॉय करें। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।